गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, मैग्नेट्स, ऑन योर पेज नंबर 32। बेटा इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ पिन होल्डर? बेटा क्या आपने कभी एक पिन होल्डर देखा है? यू कैन सी पिन्स स्टिकिंग अराउंड द पिन होल्डर। डू यू नो वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेट स्ट्रिप फिक्स्ड अराउंड इट्स नेक। इट बिकम्स कन्वीनियंट एंड सेफ टू गेट अ पिन फ्रॉम द पिन होल्डर। आपने ऐसा देखा होगा या आप देख सकते हो कि जो पिन्स होती हैं वो पिन होल्डर के साइड बाय साइड स्टिक हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो पिन होल्डर की जो नेक होती है उस पर मैग्नेटिक स्ट्रिप फिक्स रहती है, जिससे कि पिन्स जो होती हैं वो उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं। और ये ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा सेफ रहता है पिन को पिन होल्डर से ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अभी मैग्नेट, डू यू नो वॉट अ मैग्नेट इज? अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन एंड सम अदर मेटल्स। आपको पता है कि मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस या फिर मटेरियल है जिसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन और दूसरे मेटल्स को, मेटल जैसे कि आपका कोबाल्ट है, निकल है, इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अ मैग्नेट यूज्ड इन रेडियोज, टेलीविजन, टॉयज, कंपास एक्सेट्रा, इन सभी डिवाइसेज में मैग्नेट का यूज किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट को किसने सबसे पहले पता लगाया था और कैसे पता चला था? इट इज़ बिलीव्ड दैट मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अ शेफर्ड बॉय नेम्ड मैग्नीशिया हु लिव्ड इन द टाउन ऑफ मैग्नीशिया इन एंशियंट ग्रीस। बेटा ऐसा माना जाता है कि जो मैग्नेट है वो अचानक से एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था और उसको एक शेफर्ड बॉय था, उसने डिस्कवर किया था, जिसका नेम था मैग्नीशिया, जो कि एंशियंट ग्रीस के मैग्नीशिया के टाउन में रहता था। वन डे द आयरन सोल ऑफ अ वुडन स्टिक ही वॉज कैरिंग टू कंट्रोल हिज शीप गॉट स्टक टू अ रॉक। ही वॉज अनेबल टू पुल इट अवे। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द रॉक वॉज मेड अप ऑफ अ नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल। द रॉक वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट। एक दिन ऐसा हुआ कि जो उसके पास जो स्टिक रहती है जिससे कि वो अपने शीप को कंट्रोल करता है, वो वुडन स्टिक होती है, उसका जो एंड्स होते हैं उनमें आयरन्स होते हैं, तो वो जो आयरन सोल था उस वुडन स्टिक का, वो एक रॉक पर जाकर स्टिक हो गया और वो उसको वापस, मतलब जो शेफर्ड बॉय था वो उसको वापस से पुल नहीं कर पा रहा था, उससे दूर नहीं कर पा रहा था। तो ये डिस्कवरी हुई कि वो जो रॉक था वो एक्चुअल में एक नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी थी और उस रॉक का नेम है मैग्नेटाइट। उस रॉक को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटाइट। अभी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, तो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होती हैं, एक होती है नेचुरल मैग्नेट्स, एक होती हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट्स कौन सी होती हैं? मैग्नेटाइट है या मैग्नेटिक रॉक्स हैं जो कि हमें, जो नेचुरली फॉर्म होती हैं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट्स जो होती हैं उनमें आयरन भी होता है और कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कुछ रॉक्स, मिनरल्स और मीटियोराइट्स जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल कौन सी होती हैं? जो मैनमेड होती हैं। ऑफकोर्स मैनमेड चीज़ें ही आर्टिफिशियल बोली जाती हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं वो अलग अलग शेप में डेवलप की जाती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, है ना, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, बॉल एंडेड मैग्नेट्स, बहुत सारी होती हैं इसी तरीके से। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली फॉर्म है आर्टिफिशियल मैग्नेट की वो है बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू एक यू शेप मैग्नेट होती है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मीन ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं नेचुरल मैग्नेट्स से। अभी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, जिंक एट्सेट्रा, एल्यूमिनियम, वुड, रबर, स्टोन, गोल्ड और सिल्वर, ये सब भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ही हैं। बेसिकली आपके तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी बेटा होमवर्क में आपको ये जो क्विक रिस्पॉन्स चार क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटाइट, नेम द टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, यही आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।